आलू पराठे आपने खाए होंगे, मटर के पराठे आपने खाए होंगे, पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू मटर के मिक्स पराठे, सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी। तो नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी वीडियो देखने के बाद ही व्यस्त होंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल देना है, जीरे का लगा देना है तड़का, हींग मेरे पास नहीं था पर हींग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लहसुन और मिर्चा भी उसमें डाल दीजिए और लहसुन मिर्चे को तड़कने तक आप उसको पकाना है। फिर इसके बाद जैसे आपके लहसुन मिर्चे तड़क जाए तो इसमें डाल दीजिए मटर। मटर मैंने लिया है एक पाव से ज़्यादा था, मतलब 300 ग्राम के करीब में था मटर। तो मटर को डालना है, थोड़ी देर इसे चला वला के भून लेना है, बस एक से दो मिनट तक। एक से दो मिनट बाद आपको क्या करना है, जो आपने आलू मैंने लिए हैं यहाँ पर आधा किलो आलू, तो आलू को भी मैंने फटाफट से बारीक कसा चॉप कर लिया था, उन्हें भी इसमें डाल देना है धो के हमें। आलू और मटर को डालने के बाद आपको इसे ढक के थोड़ा सा पका है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, इसमें डाल देने हैं कुछ बेसिक से मसाले, जिससे आपके जो है पराठे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आ जाने वाला है। तो अब मैंने इसमें सबसे पहले डाला है नमक। तो नमक मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग जो भी नमक का इस्तेमाल करते हो तो वो वाला डाल दीजिए इसमें। अब मैंने इसमें डाला भर के जीरा पाउडर, थोड़ी आधी चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा सौंफ का पाउडर और एक चम्मच मैंने डाल दिया धनिया का पाउडर। धनिया और जीरा जो है हल्का सा ड्राई रोस्ट करा हुआ था उसका पाउडर बनाया था मैंने। एक चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया मैंने। अब इन सारी चीज़ों को क्या करना है ना, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमें, और इसे ना पकने तक, जैसे कि जब तक कि आलू आपके पकना जाए और मटर आपके पकना जाए, तब तक इसको पकाना है और इसे ढक ढक के अच्छी तरह से। अब देखिए ये आलू भी हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, मतलब पक चुका है, मटर भी हमारा पक चुका है। तो अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं, और मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करा, मैंने फटाफट से इसको मिक्सी में डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और सब लोग खाने के लिए बैठे थे। तो मैंने फटाफट से गर्म गर्म इसे मिक्सी में डाला और इसको पीस दिया। तो दरदरा नहीं रखना आपको क्योंकि गर्म है तो ये जाहिर सी बात है कि ये एकदम पिस जाएगा। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा पिस, अच्छी तरह से पिस चुका था और ना ये बहुत गीला था, पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पराठे फूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और इसमें धनिया की पत्ती मैंने भर भर के डाली और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने, नमक वगैरह इसी स्टेज पर आप टेस्ट कर लीजिएगा। तो अब इसे बहुत गर्म था ये, तो अब मैंने फीलिंग को ना थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया और आटे का डो लगा लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है आटे का डो, जब हम लगाएंगे ना तो उसे हमें दूध से लगाना है, और दूध से लगाने से पता है क्या होता है, ऊपर पपड़ियाँ नहीं पड़ती हैं, आटा बहुत सुपर सॉफ्ट रहता है और पराठे जब आप बनाओगे ना तो एक भी पराठा फूटेगा नहीं, क्योंकि फीलिंग आपने देखी है कि कितना ज़्यादा नरम है। इतने नरम फीलिंग के साथ पराठे फूटने का झंझट तो रहता ही है, पर यहाँ जो है आटे का डो आप एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाइए हाथों पे और आटे को अच्छी तरह से चिकना कर दीजिए और इसे ढक दीजिए। अब ढक के आप इसको छोड़ दीजिए जब तक के लिए आपकी फीलिंग ठंडी ना हो रही है। तो देख लीजिए आटा कितना सॉफ्ट गूंथ गया है, बहुत नरम आटा गूंथना है आपको। इसको ढक के छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारी फीलिंग भी ठंडी हो चुकी है और आटे का डो भी हमारा सेट हो चुका है अच्छी तरीके से। तो अब मैं लूँगी लोइया, और लोइया लीजिए इसको अच्छी तरह से कटोरी सा शेप दीजिए, जैसे कि नॉर्मल आप पराठे में शेप देते हैं। बस क्या करना है आपको, ऊपर का पार्ट जो है वो पतला रखना है, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको आपको मोटा रखना है। अब आप इसमें फिलिंग को भर दीजिए, देखिए कितनी नरम फिलिंग है ये, पर पराठा बिल्कुल फूटेगा नहीं, ये एकदम टेस्टी सा। अब क्या करना है आपको ना, हल्का हल्का हाथों में ऑयल लगा के अब जो फीलिंग है उसको दबा देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा था जो फीलिंग थी उसकी। अब इसको ऊपर से बंद कर दीजिए और इसको ऊपर वाले हिस्से को आप निकाल भी सकते हैं और या फिर उसी में एडजस्ट कर सकते हैं। अब आटा लगाइए सूखा और इसको हाथों से थोड़ा सा बड़ा करने के बाद अब बेल लीजिए, आँख बंद करके बेलन चलाइए, फूटेगा नहीं आपका पराठा। देखा आपने, इतनी नरम फीलिंग थी फिर भी पराठा जो है हमारा बिल्कुल नहीं फूटा। तो फटाफट से अगर आप लोग हमारी वीडियो में नए हैं तो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो इसी तरीके से सारे पराठे बनाने हमें, फिर आप इसको सेक लीजिए। पराठे बनाते वक्त आटे का जो डो है बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और जो फीलिंग जो मेरी बहुत ज़्यादा नरम थी वो आपकी भी हो जाएगी जब आप आलू और मटर के पराठे मिक्स वाले बनाएंगे। तो आपको करना क्या है,
बस ना फीलिंग जब भरते वक्त ना हल्का सा हाथों में या फिर ऑयल लगा लीजिए या फिर पानी लगा के फीलिंग को अच्छी तरह से दबा दीजिए और ऊपर से सील कर दीजिए। आपका एक भी पराठा नहीं फूटेगा। देखिए सारे पराठे जो है बहुत टेस्टी बनेंगे, फुले फुले से बनेंगे और एक भी पराठा फूटा नहीं रहेगा, ना मोटा ना पतला, एक बराबर पराठे बनेंगे। तो सारे पराठे मैंने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो फटाफट से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और ठंडियों को मौसम पता है आपको, ये आलू मटर के पराठे, मटर के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, हर एक चीज के पराठे इतने ज्यादा अमेजिंग लगते हैं ना, चटनी के साथ ही खा लो, चाय के साथ खा लो। मैं तो इसे धनिया की पत्ती की चटनी के साथ खाती हूँ, बहुत मजेदार लगती है। ये देखिए सारे पराठों में इतने नरम पराठे बने, इतने सॉफ्ट पराठे बने हैं ना कि क्या ही बताऊं मैं आपको।